दिनेश त्रिवेदी का तो नाम सुना होगा आपने, गुजराती होकर भी जिन्होंने बंगाल की मां माटी और मानुष को अपना बना लिया। लेकिन जब भी सियासत ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने पार्टी भी बदली और अपनी निष्ठा भी। बंगाल चुनाव की पूर्व बेला में उन्होंने ये कहते हुए ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया कि मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, जबकि उनकी राज्यसभा की मियाद अभी 5.5 साल बची हुई थी। अब दीदी उनकी छोड़ी हुई सीट से यशवंत सिन्हा को ऊपरी सदन में भेजना चाहती है ताकि वे राज्यसभा में भाजपा की नाक में दम कर सके। त्रिवेदी को लगा था जब बंगाल में डंके की चोट पर भाजपा सरकार बनाएगी तो अपने घुटन को वे आजादी की रूह पहना सकेंगे। त्रिवेदी के करीबी बताते हैं कि भाजपा और संघ नेतृत्व ने उनसे वादा किया था कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि त्रिवेदी के संघ से गहरे रिश्ते हैं। संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसा बोले और कृष्ण गोपाल से उनके आत्मीय रिश्ते बताए जाते हैं, पर अब त्रिवेदी से कहा जा रहा है कि वे किसी राज्य के गवर्नर बन जाएं, क्योंकि भाजपा उन्हें तभी केंद्र में मंत्री बना सकती है जब उन्हें देने के लिए कोई राज्यसभा सीट खाली हो। भाजपा कोटे की राज्यसभा सीट 2022 से पहले खाली नहीं होने वाली। त्रिवेदी के मन की इच्छा है कि इन्हें भाजपा अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए, पर यहाँ चाहने से क्या होता है, वो ये वही जो मोदी रची राखा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।